कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती नजर आ रही है। फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद अक्षय कुमार की ये मल्टी स्टारर फिल्म अब तक अच्छी कमाई कर चुकी है। भाई 9वें दिन भी हाउसफुल 4 ने 130 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी बज है। माना जा रहा है कि हाउसफुल 4 ने 9वें दिन रविवार को भी 13 करोड़ का कारोबार किया है। इसे मिलाकर फिल्म का टोटल कलेक्शन 140 करोड़ के पार हो रहा है। अब भाई 25 अक्टूबर को रिलीज हाउसफुल 4 की ओपनिंग भी जबरदस्त रही थी। ओपनिंग वीकेंड में भी फिल्म ने 50 करोड़ का कारोबार किया था, तो ये तो बनता ही था। हाउसफुल 4 समेत मेड इन चाइना और सांझ की आग के अब तक के कलेक्शन बता दें तो वीकेंड्स में भी थिएटर्स में हाउसफुल 4 काफी अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। वहीं सांझ की आंख फिल्म भी धीरे धीरे अपना अच्छा कलेक्शन कर रही है। बताते चलें कि फरहाद सामजी निर्देशित हाउसफुल 4 को क्रिटिक्स और ऑडियंस की ओर से नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। फिल्म की कहानी दर्शकों को खास पसंद नहीं आई। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कीर्ति खरबंदा, प्रीति सेनन और पूजा हेगे मौजूद हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर, चंकी पांडे भी फिल्म में हैं। पर ज्यादातर लोगों के यही रिव्यूज हैं कि भाई हम तो बाला को देखने जाते हैं थिएटर्स में और किसी ने भी कहानी को अच्छा नहीं बताया है। चलिए खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे जाके ये फिल्म अपना बस बना पाती है और आगे निकल पाती है या फिर और ऊंचाई से नीचे आ जाती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।